मैम पेरेंट्स से ऐसे बात करते हैं हेलो मैम आप कैसे हो तो बस से हाँ जी सर क्या काम था और हम से क्या कर रहे हो चुपचाप बैठो अपने सीट पे ओए उधर तो गया सर <laughs> जो आपके टीचर हैं वो पेरेंट्स से बड़े प्यार से बात करती हैं प्रिंसिपल तो सर टीचर ऐसे होते हैं लेकिन पहले के दो तीन टीचर बड़ी नर्सरी क्लास हो गया एल के जी हो गया, हो गया। इन सब की थोड़ी प्यार करती लेकिन जैसे डांटना <laughs> शुरू।, शुरू कर देती हैं परेशान करती हैं, है मैम नहीं डांटती हैं तो बेटे वो आपके अच्छे के लिए तो डांटती है ना घर पे आओ तो मम्मी की डांट पापा की डांट आर्यन भाई की डांट स्कूल में जाओ तो टीचर की डांट और टीचर और बाकी सबसे तो बड़े प्यार से बात करती हैं और बच्चों से कैसे करती है एक बार और बोलना ए उधर जा और बैठो <laughs> और पेरेंट्स से बैग ऑन में क्यों खुश हम्म और पेरेंट्स से कैसे करती है हेलो मैम गुड मॉर्निंग कैसे हो आप आज क्या काम था और प्रिंसिपल सर से हां जी सर क्या काम था बताइए क्यों बुलाया है मुझे बैठो तो बड़ी होकर टीचर बनोगी या प्रिंसिपल बनोगी प्रिंसिपल बनना अच्छा है ना या टीचर बनना अच्छा है अपना स्कूल खोल लो अपनी दादागिरी चलाओ <laughs> मनु अपना स्कूल खोलेगी बेटे बड़े हो तू? हम्म? अपना स्कूल खोलेगी गुड मॉर्निंग मैं जा रही हूँ दो महीने के बाद स्कूल ये और मनुष्य बहुत खुश है क्योंकि सहेलियों से मिलेगी <laughs> और अपने टीचर के डांट सुनेगी। टीचर की डांट की। टीचर की डांट की याद आ रही है याद याद आ रही है। डांट को टीचर की डांट की याद आ रही है और मनुश्री को लंच में ये लेके जाना डिजाइनिंग की जो रोटियां होती है ना वो बहुत पसंद है इसलिए मैंने उसकी पसंद की रोटियों की शेप बनाई है

बैडमिंटन खेला जा रहा है हाय गाइस ये मैं हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी आप सभी ठीक ठाक होंगे स्वस्थ होंगे व्यस्त होंगे और जबरदस्त तंदुरुस्त होंगे और शाम चार बज रहे हैं इस समय घड़ी में चार और ये बंदा नहाने के लिए जा रहे हैं जवान है हम अभी नहाएंगे यू आर्यन यू आर्यन छाती में आसमान मार के कर रहा है थारा भाई आर्यन मनोश्री बहुत खुश है हेलो गाइस गुड मॉर्निंग ओ सॉरी हेलो गाइस गुड इवनिंग कैसे आप सब लोग आप सभी का स्वागत है मनुष्य ब्लॉग्स पर और अभी आने वाली है हमारी बता दो बता दो, बता दो। अभी हमारे दादी जी आने वाली है पापा के साथ जी हाँ मनुष्य के पापा लेने के लिए गए हैं दादी, दादी जी को निभाने के लिए, लिए गए, गए हैं घर है, से और वो आने वाली हैं और मनुष्य कैसे डांस कर रही है नानी जुम्मा छुट्टियाँ पड़ गई ओ दादी के दादी दादी ओ दादी गाडी में जा, जाएंगे ओए ओए दाड़ी दाड़ी ओए दादी हमारे घर आ रही हैं ओए ओए ये बोलो <laughs> मनुश्री मनुश्री बहुत खुश है आर्यन बहुत खुश है उसके पापा तो हैं ही खुश वो तो लिवाने के लिए गए हैं मैं भी खुश हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से एक साल के बाद आ रही हैं वो जी हाँ एक साल के बाद वो आ रही हैं कल हमारी शादी की गिर है हम्म हम्म कल है उन्नीस फरवरी और फरवरी के महीने में हमारे परिवार में इतनी तो सारी शादियां हुई तो इतनी सारी शादियां हुई हैं बहुत सारी शादियाँ हुई हैं एक चाचा ससुर की भी शादी है और मेरे दो जेठों की शादी है और एक नंद की भी है ना हाँ और मेरे मैके से भी मेरे भाइयों की भी मेरी सिस्टर की भी 19 20 की बहुत फरवरी के महीने में तो है ही और 19 की शादियाँ हमारे परिवार में ही लगभग चार शादियाँ हैं हमारे परिवार में जो मेरे ससुराल पक्ष से हैं ना चार शादियाँ फरवरी के महीने में हुई हैं तो उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि ये ब्लॉग कल जाने वाला है आप सबके पास 19 फरवरी को तो जो भी मेरी ब्लॉगिंग देखते हैं तो उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और किसी की भी हो सकती है शादी की साधर यानी कि जो फरवरी का महीना है ना इसमें इतनी मैरिज एनिवर्सरी है इतनी सारी हैं कल ही मेरी देवरानी की थी सत्रह फरवरी को मेरी मनुष्य की चाची की दे चाची चाचा की यानी कि मेरी देवरानी की थी मैं बहुत खुश हो रही हूँ तो इसलिए कुछ का कुछ बोल रही हूँ लेकिन कोई जा नहीं पाता कोई आ नहीं पाता है तो मैंने एक छोटा सा पूजा का आयोजन रखा है घर पर मैंने सोचा मैं इस बार कथा करवा लेती हूँ वो तो ये भी है कि संडे में भी हो सकती है कल भी हो सकती है परसों भी हो सकती है वो देखते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्नीस में ही करानी है उन्नीस में भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है नहीं होती है तो भी इसमें हो जाएगी इस ऐसा कुछ नहीं है कि कल ही करानी है तो जो भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं उनकी शादी की सालगिरह है कल या पूरी फरवरी में रही है सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी का जीवन उज्जवल भविष्य हो सभी का भविष्य उज्जवल हो स्वस्थ रहे और अपने अपने जीवन में तंदुरुस्त रहे हमारा उनका नाम भी उज्ज्वल है।, है बच्चे तो गेमर को देखते रहते हैं और मैंने आज पहनी हुई है साड़ी जी हाँ सासू माता आ रही हैं भाई आशीर्वाद लेने के लिए उनको बड़ा अच्छा लगता है साड़ी में मैं जब भी ससुराल जाती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ मैं बकबक बकबक बोलने जा रही हूँ मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी ही पहनू घर पे जाने के बाद ससुराल पक्ष में मैं साड़ी ही पहनना चाहती हूँ अगर मौका मिलता है ना तो मैं चूकती नहीं हूँ साड़ी जरूर पहनती हूँ आज ही मैंने साड़ी पहनी हुई है को बहुत अच्छा लग रहा है ना साड़ी में अच्छा लग ने मैंने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है ना ग्रीन ग्रीन आप सब बताइएगा किस किस की शादी की सालगिरह फरवरी में पड़ती है और उन्नीस तारीख को पड़ती है फिर ये भी बताइयेगा उन्नीस दादी आ चुकी है हेलो दादी सब नमस्ते करो मेरी <laughs> बोल लो किसो को दिख रहे <laughs> मेरी दादी जी को और सबसे पहला क्वेश्चन मनुष्य का ये था दादी के आने के बाद की दादी कितने दिन रुकोगी अभी भी कह रही हो तो अभी भी कह रही दादी ट्वेंटी जब जाने की दादी कितने दिन रुकोगी जरा ये बता दो जरा आप आती हो और चले जाती है सभी लोग नमस्ते बुला सकते हैं छत पे घूम रहे हैं है? और मनुष्य की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, नहीं। ये है मेरे घर का छोटा सा आंगन जो बीच में आपने देखा ही है कई बार तो यहाँ पर मैं ना शाम को झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि सब्जी वगैरह काटते हैं या फल वगैरह मूंगफली वगैरह खाते हैं ना बच्चे तो सारे में छिलके छिलके हो जाते हैं रूम में तो दोबारा शाम को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती झाड़ू लेकिन यहाँ पर पड़ जाती है क्योंकि स्कूल से आने के बाद अफरा तफरी मचाते हैं उसके बाद इधर फैला दिया उधर फैला दिया उस चक्कर में थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है तो शाम में सिर्फ यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ कई बार छोटा सा आंगन है बाहर की तरफ में उसमें भी लगा देती हूँ लेकिन यहाँ तो लगी जाती है और बच्चे बड़े खुश हुए हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं मनुष्री तो इतना डांस कर करिए और सबसे पहले आते हैं सबसे पहले उसने अपनी दादी से पूछा है कि दादी आप कितने दिन रहने वाली हो प्लीज़ ये बताओ अब जल्दी मत जाना जल्दी मत जाना क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई हैं वो भी यहाँ पर तो मैंने कहा कुछ दिन रुक के ही जाएंगी और घर में एक छोटा सा पूजा का आयोजन रखा है वो देखते हैं कल होता है या फिर परसों होता है कल मेरी शादी की साल गिरा है आप सब विश भी कर सकते हैं मुझे अपने ही खुद से ही मुंह से कह रही हूँ मैंने कहा मुझे विश कर सकते हैं और वो लेटी हुई थी यहाँ पर हम बातें भी कर रहे थे और बच्चे इस टाइम पर ट्यूशन पढ़ रहे थे तो इसलिए बच्चे नहीं हैं यहाँ पर बस हम दोनों सास सुबह हैं लगी हुई हैं बातें भी चल रही हैं हमारी और साथ में काम भी छोटा मोटा ये है चलता रहता है मम्मी को मैं नहीं करने देती हूँ वो कहती है कि मैं यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ मुझे भी मेरे लायक कुछ काम बता दिया करके हाँ मैं भी कर लूँ ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मैंने कहा आप कुछ दिन के लिए आई हैं आराम से रहो तो जरा सा पूजा का वगैरह का कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है ना तो घर में बड़े रहते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है और घर बहुत ही मतलब प्रफुल्लित हो गया है मनुश्री और आर्यन बहुत खुश हैं कि दादी आ गई हैं और भाई उसके पापा तो होंगे ही खुश क्योंकि उनकी तो मम्मी आई है ना इसलिए वो घर पे रहती हैं वहाँ बिजनौर रहती हैं और हम लोग यहाँ पर रामपुर रहते हैं जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता रही हूँ और बहुत ही खुशी की बात है सभी लोग इकट्ठे हैं अब हमारे इस हैंड वॉश की जगह ले ली है इसने जी अभी अभी ये लगवाया है यहाँ पर ड्रिल मशीन से कि जिससे सुविधा रहने वाली है ये, ये है मनु वो तो टेढ़ा है? है? तो भी हो रहा है इससे मनु से तो दबी नहीं रहा हाँ, हाँ, ये दबा दूंगी कैसे कैसे दबाओगी ठीक करके और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी सासू माता जी हमारी आर्यन की दादी जी ऐसी ऐसी बातें बता रही थी यहाँ पर उसको मैं आपको नहीं सुना सकती आपको बहुत हंसी आएगी अगर आप सुनेंगे तो घरेलू कुछ बातें हो रही थी <laughs> कुछ घरेलू ऐसी बातें हो रही थी अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबकी बात जरूर कराऊंगी उनसे अभी कुछ दिन रहेंगी तो आप देखते रहेंगे उनको <laughs> उनकी बातें सुनते रहेंगे मनुष्य देखो कितने ध्यान से सुन रही है क्या बातें <laughs> <laughs> वो घरेलू कुछ बातें बता रही थी और आर्यन ने उनको नहीं पता कि किसकी रिकॉर्डिंग चल रही है आर्यन ने चुपचाप ये वाली क्लिप बना ली है और वो सब बातें बता रही हैं और एक्शन बाई एक्शन बता रही हैं हम सब बहुत हंस रहे थे कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि हमें बहुत हंसी आ रही थी सबको रो ढंग से बता रही थी वो उनका बताने का तरीका बहुत अच्छा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को ठीक है दोस्तों मैं इंतज़ार करूँगी आपका <laughs> कमेंट का आप कमेंट में ही तो आते हैं मैं तो आपके घर वीडियो के द्वारा जाती हूँ लेकिन आप कमेंट के द्वारा मेरे घर आते हैं ठीक है तो आपका कमेंट में इंतज़ार करूंगी मैं कि हमारी मम्मी जी कैसी लगी हैं आपको जरूर बताइएगा मनुश्री बहुत खुश है और बहुत सारी शिकायतें भी हैं मनुष्री की जो वो बता रही है कुछ शिकायतें उनकी हैं जो वो बता रही हैं और ये बातें हमारी चलती रहेंगी लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी वीडियो कैसा लगा है वो ज़रूर बताइएगा और मैं कुछ खा भी रही थी और उनसे बातें भी कर रही थी तो हम कल की वीडियो मिलते हैं उन्नीस फरवरी की वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय और उन्नीस फरवरी को वीडियो मिलेगा तो मुझे विश कीजिएगा ज़रूर ओके बाय